हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। एक्चुअली मैंने सोचा मैं काम में लग जाऊँ, पर जैसा कि आप सब ने देखा कि कूलर के सामने बैठ गई थी थोड़ी देर पसीना सुखाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग भी देख लेती हूँ। होता है ऐसे, हम सोचते हैं कि अगर ऐसे फ्री बैठे हैं, मेरा ऐसा ही होता है कि मैं अगर किसी का ब्लॉग देखती हूँ जिसको भी मैंने सब्सक्राइब किया है या फिर जिसको मैं पसंद करती हूँ, तो मैं काम करते हुए ही देखती हूँ टाइम निकाल के, क्योंकि टाइम इतना हो नहीं पाता है ना। सही बात बोली कि टाइम इतना होता नहीं है कि स्पेशली ब्लॉग देखने के लिए हम टाइम निकालें, क्योंकि इतना सारा काम होता है यह पॉसिबल नहीं हो पाता। तो खाना बनाते समय मैं देख लेती हूँ अगर मुझे रेसिपी नहीं शूट करनी है तो, क्योंकि मेरे पास फ़ोन एक ही है, मतलब मोबाइल एक ही है, तो इसलिए अगर मुझे रेसिपी नहीं शूट करना होता है तो फिर मैं जिसको पसंद करती हूँ उनका मैं ब्लॉग देख लेती हूँ। और या फिर जैसे कुछ काम कर रही हूँ और उस टाइम में मुझे वो रिकॉर्डिंग नहीं करनी है तब मैं देख लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं जिनको मैंने सब्सक्राइब किया है या फिर जिनको मैं पसंद करती हूँ तो उनका मैं ब्लॉग देख लेती हूँ। अभी मैंने वही मैं अभी ब्लॉग देख रही थी एक किसी का, तो अभी मुझे याद आया एकदम अचानक से कि चार पाँच साल पहले है ना, तो ब्लॉगिंग का कुछ अलग ही मतलब था, कुछ अलग ही बात थी कि लोग अपना पर्सनल लाइफ दिखाते थे या फिर जो भी उनके लाइफ में, उनके इर्द गिर्द, उनके आसपास या जो भी उनके लाइफ से रिलेटेड चीज़ें थी वो दिखाते थे कि क्या बना रहे, क्या खा रहे, पति बच्चा घर परिवार जो भी जैसा भी, यानी एक नॉर्मल ब्लॉगिंग हुआ करती थी और अच्छा भी लगता था। और कहीं ना कहीं मैं उन सब ब्लॉगर्स को देख के इंस्पायर हुई कि मुझे ब्लॉगिंग करना है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था कि वो लोग अपने घर परिवार दिखा रहे हैं, अपना बच्चा परिवार दिखा रहे हैं, अपना डेली का रूटीन दिखा रहे हैं, क्या वो करते हैं, कैसे वो रहते हैं, ये सारी चीज़ें। पर अभी मैं बोलूँ तो ब्लॉगिंग का जो डेफिनेशन है वो पूरा बदल चुका है, बिल्कुल पूरा बदल चुका है। यानी अभी ब्लॉगिंग का मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि जो अपनी नॉर्मल लाइफ दिखाते हैं, जो नॉर्मल ब्लॉगिंग करते हैं उनके व्यूज़ देखो, और जो थोड़े से क्या मैं बोलूँ, थोड़े से मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जैसे मूवी वगैरह हम देखते हैं ना कि पहले चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे पहले कहानियाँ लिखी जाती हैं, स्टोरी लिखी जाती हैं, उस पर काम किया जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लॉगिंग भी अब बाबू धीरे चालू करो पानी बेटा। मैंने ट्यूशन पता कितना करती है? तीन से छः। तो आज जाना है? कल भी गई थी, पर तुम तो बोले थी एक तारीख से जाओगी, पर मैम ने बोला कि कोर्स मैंने एक लेसन कंप्लीट भी करा दिया तो अभी से ही आ जाओ। तो मैं कल तो आज जाने वाली हूँ 3 बजे, इसको भी ले जाना सुबह गया नहीं था। अरे चलना मैं भी आऊंगी। हाँ सुबह नहीं गए थे तो जाना तो पड़ेगा ना बेटा, सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी थोड़ी रखनी है बाबू, 2 दिन की छुट्टी नहीं होती है। अभी मैं मैम से बात कर लूंगी कि मैं गई थी मीटिंग में तो मैं नहीं भेज पाई, तो शाम को भेज दूंगी। हाँ दूध पी लो, मैंने रखा हुआ दूध आपको। अरे दूध पी लो, पानी से क्या होता है। तो वही मैं बता रही थी कि अभी जो ब्लॉगिंग का डेफिनेशन है बिल्कुल बदल चुका है, और कहीं ना कहीं मैं उन सब ब्लॉगर्स को देख के इंस्पायर हुई थी कि मुझे भी ब्लॉगिंग करनी है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था उनका लाइफस्टाइल देख के और सब ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। और अभी ऐसा है कि अब एक पैशन सा बन चुका है कि जब तक मतलब वीडियो ना बनाओ तो ऐसा लगता है कि अधूरा है लाइफ, ऐसा हो चुका है। तो ये चीज़ें हैं। और अभी की जो ब्लॉगिंग की मैं बात कर रही थी, बच्चों ने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तो अभी की जो ब्लॉगिंग है तो मैं क्या ही बताऊँ, उस पर मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती, और बोलने के लिए बहुत कुछ है ऐसा भी बोल सकती हूँ, क्योंकि अभी जो नॉर्मल लाइफ अपनी दिखाते हैं, नॉर्मल ब्लॉगिंग करते हैं, अपनी नॉर्मल चीज़ें दिखाते हैं, उनका व्यूज़ देखो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैं हूँ, अपनी नॉर्मल लाइफ दिखाती हूँ, जो भी मेरे लाइफ में होता है वो सारी चीज़ें मैं दिखाती हूँ। मेरे जैसे कई सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं कि उनको तामझाम से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपना रूटीन दिखाती हैं, अपनी लाइफ के बारे में दिखाती हैं, जो चीज़ें भी हैं, तो उनको कुछ इतना ज़्यादा कुछ व्यूज़ नहीं आता है। और वही जो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे मूवीज़ के लिए पहले कहानियाँ लिखी जाती हैं और उस पर काम किया जाता है, अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ब्लॉगिंग का भी वही फंडा हो चुका है कि पहले आप
या तो मतलब राइटिंग में या फिर दिमाग में, यहाँ पे चीज़ें पहले तैयार कर लो, मतलब उसको लिख लो, उसको सोच लो, कर लो, उसके बाद उस पर काम करो कि हाँ भाई अब अगला क्या, कैसे मतलब ऑडियंस को हम कैसे बेवकूफ़ बनाएं। मैं तो यही बोलूँगी क्योंकि ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जाता है और ऑडियंस बेवकूफ़ बनती है। उनको ऐसा होता है कि अभी ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब बड़े पर्दे पे जाने की हर कोई नहीं जा सकता और रोज़ नहीं जा सकता, सबसे बड़ी बात। तो छोटे पर्दे पे मिर्च मसाला मिल जाए, मतलब छोटा पर्दा यानी मोबाइल की बात कर रही हूँ, तो अच्छा है ना, एंटरटेनमेंट तो होगा लोगों का। हमें पता होता है कि जो हम मूवी देखते हैं उसमें सच्चाई नहीं होती, हालांकि काफ़ी सारी फिल्में ऐसे हैं जिसमें सच्चाई है, जो सच्चे घटने पे बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के पर्पस से ही हम मूवी देखने जाते हैं कि हम एंटरटेन हों, तो उस इसलिए हम जाते हैं मूवी देखने के लिए। तो अभी हमारा ब्लॉगिंग जो है ना वो ऐसा ही हो चुका है कि लोग एंटरटेनमेंट के पर्पस से देखते हैं, लोगों को रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, चाहे वो किसी के लाइफ की कंट्रोवर्सी देखना चाहें या फिर बहुत ज़्यादा मेल मिलाप देखना चाहें, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत देखना चाहें, चाहे वो सास के साथ हो या किसी भी रिलेटिव के साथ में हो, किसी भी रिश्तेदार के साथ में हो, इस तरीके का कि हाँ भाई इनकी बॉन्डिंग इनके साथ अच्छी है या फिर इनका झगड़ा इनके साथ इनका झगड़ा इनके साथ है तो क्यों। और मैं मुझे लगता है कंट्रोवर्सियल जो कंट्रोवर्सियल वीडियो है ना वो ज़्यादा चलते हैं, वो मतलब उनका तो क्या ही बोलूँ, मतलब आपके अगर सब्सक्राइबर 1 लाख है ना तो व्यूज़ 2 लाख 2.5 लाख चले जाते हैं, इस तरीके का भी होता है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग भी, मुझे लगता है जो ब्लॉगर्स है वो भी मजबूर हो गए हैं आप लोगों की वजह से, ऑडियंस की वजह से, क्योंकि ऑडियंस भी मिर्च मसाला देखना चाहती है, उनको भी ऐसा है कि उनको ऐसे कंट्रोवर्सी देखना होता है, या फिर जैसे मैंने बताया कि हर कोई मूवी देखने नहीं जा सकता, रोज़ नहीं जा सकता, तो उनको रोज़ कुछ ना कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए, तो उनको ऐसी वीडियो अच्छे लगते हैं जो उनको एंटरटेन करें, तो वो सारी चीज़ें हैं। और अभी वो बोलते हैं ना आओ बहन चुगली करें, तो YouTube अभी वो चीज़ हो चुका है, वो प्लेटफॉर्म हो चुका है कि आओ बहन चुगली करें। मतलब आप देखो ब्लॉगिंग क्या, ब्लॉगिंग यानी आप क्या बैठ जाते हो, फलाने ने ये कहा, चिल्लाने ने ये कहा, मतलब ऐसा हुआ वैसा हुआ, कोई घर का प्रॉब्लम बता रहा है, कोई अपने फ्रेंड सर्कल का प्रॉब्लम बता रहा है, कुछ भी है, जो भी प्रॉब्लम है आप अगर ऑडियंस के सामने रखते हो तो क्या वो सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। अगर कुछ बताते हो तो ऐसी चीज़ें बताओ जिससे कि आपके जो भी जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी आपको देखने वाले हैं, वो उस चीज़ से इंस्पायर हो, उनको कुछ सीखने को मिले, वो मोटिवेट हों कि हाँ भाई इस हालात में ऐसे रह सकते हैं, ऐसे निकला जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाती है हमारे लाइफ में कि हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, तो ऐसी वीडियो हम देख के फिर थोड़ा सा हमें मतलब मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई देखो इस सिचुएशन से ऐसे निकला जा सकता है, ये चीज़ें, इस तरीके का वीडियो आप डालें तो शायद सही रहेगा। बाकी ये जो क्या बोलेंगे गॉसिप वाली वीडियो कि हाँ भाई फलाने ने ये कहा, चिल्लाने ने ये कहा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरी सास माँ से मेरी बॉन्डिंग अच्छी थी फिर ख़राब हो गई, मेरी जेठानी देवरानी का, अरे यार, अरे तुम्हारे घर का है, घर में रखो, घर में प्रॉब्लम सॉल्व करो यार। ऐसा सोशल मीडिया पर लाओगे तो ऑडियंस जाके आपके जो भी आपके व्यूअर्स हैं, जो भी आपके देखने वाले हैं, क्या वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है, जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, जो भी मेरे मतलब क्या बोलेंगे माँ बाप भाई बहन भाभी देवरानी जेठानी ननद जो भी रिश्ते में लगते हैं, अगर उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे शेयर करने से क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा? नहीं होगा। वो मुझे उनसे मिलके प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अगर करना है तो, अगर मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो, अगर नहीं करना है मुझे उनसे वो रखना है तो वो मेरा प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है वो मेरा प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ सोशल मीडिया पे बोलने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए, और ये कुछ भी नहीं होगा जो बोलते हैं ना सोशल मीडिया पे आके, उनको भी पता है कि ऑडियंस के सामने रखने से और इस प्लेटफॉर्म पे बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर होगा, व्यूज़ जाएंगे और डॉलर्स बनेंगे, ये चीज़ ज़रूर होगा, तो इसलिए वो करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सारी चीज़ें जो होती हैं स्क्रिप्टेड होती हैं, समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप वो इतनी सारी चीज़ें आप जब सोशल मीडिया पर रखते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ में इफ़ेक्ट होना चाहिए उन चीज़ों का, कहीं ना कहीं उस चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद में आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, नॉर्मल तरीके से अपना सारा काम कर रहे हो, कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं इंसान डिस्टर्ब तो होता ही है ना, और अगर हुआ है तो वो उसके फेस पे भी दिखेगा, आपको
सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। दो चार वीडियो आ गए आपके, अच्छा खासा व्यूज़ आपने कमा लिया, अच्छे खासे डॉलर्स बना लिए, और उसके बाद में आप नॉर्मल हो। क्या सच्चाई है? ब्लॉगिंग की सच्चाई मुझे आज तक समझ में नहीं आई। अभी की जो ब्लॉगिंग है, क्या तो अभी की ब्लॉगिंग मुझे समझ में नहीं आ रही है कि क्या है क्या नहीं है। हालांकि मतलब जैसे मैंने बताया कि 3-4 साल पहले ब्लॉगिंग जो थी, अभी भी जो वो जो पुराने ब्लॉगर्स हैं वो भी जैसा वो अपना रूटीन दिखाते थे वैसा ही दिखा रहे हैं, उनको ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं है। हालांकि वो सब भी देखते ही होंगे कि क्या कुछ चल रहा है यूट्यूब पर वो अपना जैसे उनका 3-4 साल पहले का ब्लॉगिंग का स्टाइल था उसे वैसे ही अपना मतलब किए जा रहे हैं, अपना उनका वही स्टाइल है ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सही है। क्योंकि आपके रिलेटिव्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप ही सॉल्व कर सकते हो उनसे मिलके, उनसे बात करके। जैसा कि मम्मी ने बताया कि अगर सॉल्व करना चाहो तो वो आपका प्रॉब्लम है। बाकी ये सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें लाने से, घरेलू चीज़ें लाने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ सॉल्व नहीं होगा। अगर वो उसमें सच्चाई है तो, अगर स्क्रिप्टेड है पैसा कमाना है तब तो ठीक है, तब तो ऑडियंस को भी मिर्च मसाला मिल ही रहा है, मूवी समझ के देख ही रहे हैं। जैसे कि हम जाते हैं देखने के लिए ना, 3 घंटे की मूवी होती है, तो आजकल ब्लॉगिंग काफ़ी ऐसा ही हो गया है कि 15-20 मिनट का ब्लॉग किसी का आता नहीं है, मतलब 35 मिनट, 40 मिनट, 1.5 घंटे, 2 घंटे ऐसे ब्लॉग्स आ रहे हैं लोगों के। तो ये चीज़ है, तो मूवी से कम भी नहीं रहा है ये प्लेटफॉर्म, तो लोगों को एंटरटेन होना है इसलिए वो देखते हैं। और कुछ लोग इनको सही बोलेंगे, कुछ लोग दूसरे को सही बोलेंगे। आपको खुद को पता है कि आप सही हो गलत हो, खुद को इंसान को खुद को पता होता है। देखो ये बात सच है कि हम गलत करते हैं या सही करते हैं हमें खुद को पता होता है। अगर हमें नहीं खुद को पता है तो आँख बंद करके डीपली आप सोचें कि जो आप जो कर रहे हो वो क्या सही है, आपको जवाब मिल जाएगा या गलत है। आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाए कि जो आपके तरफ से चीज़ें हो रही हैं, जो सामने वाले की तरफ से चीज़ें हो रही हैं, तो कौन गलत है कौन सही है। बाकी यहाँ सोशल मीडिया पे मुझे नहीं लगता कि चीज़ों के लाने, मतलब जो घरेलू चीज़ें हैं उन्हें लाने से कुछ समस्या का समाधान मिलता है, नहीं मिलता। बस हाँ ये चीज़ें कि व्यूज़ मिलते हैं, डॉलर्स बनते हैं, ये तो पक्का है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं, और जो लोग ऐसी चालाकी नहीं कर पाते, जो लोग इस तरीके का नहीं सोच पाते, हालांकि सोचते तो वो भी हैं लेकिन उनको ये सही नहीं लगता, उनको ये कोई ज़रूरी नहीं लगता, मतलब सही ही नहीं लगता कि वो अपने लाइफ की जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है या जो भी चीज़ें हैं वो इस तरीके से सोशल मीडिया पर लाएँ। मुझे तो बिल्कुल नहीं सही लगता, बाकियों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता। मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जो अपने घरेलू चीज़ें या फिर इस तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहते, और मैं उनको सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार जो घर के पचरे उड़े ना तो फिर आप वो इज्जत नहीं कमा पाओगे जो आप पहले से ब्लॉगिंग करके कमा रहे हो। हाँ पैसे भले आपने कम कमाए होंगे लेकिन इज्जत और रिस्पेक्ट आपकी बहुत थी, पर जब आप घर की चीज़ें बाहर ला देते हो ना उसके बाद लोगों का नज़रिया बहुत चेंज हो जाता है, देखने का बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आप नॉर्मल, जैसे हम ब्लॉगिंग दिखा, जैसे मैंने बताया कि आप ब्लॉगिंग करो, मैं अपनी बात बताऊं कि नॉर्मल लाइफ जो भी हमारी नॉर्मल लाइफ ही नहीं, जो हमारी लाइफ में चल रही हैं, जो हम नॉर्मल मिडिल क्लास से हैं या हाई फाई हैं या जैसे भी हैं, जो भी हमारी लाइफ स्टाइल है वो हम शेयर करें, जो कुछ हम जानते हैं जो हमें आता है वो चीज़ें हम शेयर करें, जो चीज़ें हम दिखा सकते हैं वो चीज़ें हम शेयर करें, जो भी चीज़ जो भी क्वालिटी आप में हो वो चीज़ें आप दिखाएं, तो लोग कुछ कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखेंगे। पर ये झगड़ा लड़ाई दिखा के या घर की चीज़ें बाहर ला के आप क्या ही कोई, मतलब आप समझ सकते हो कि क्या ही कोई उसमें सीखेगा या कि कुछ भी यानी। लेकिन हाँ लोग एंटरटेन तो होते हैं, ये तो पक्का है कि लोग एंटरटेन होते हैं उन सारी चीज़ों से जो दिखाया जाता है। तो मुझे अभी पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप सबसे बात करनी चाहिए इस टॉपिक पे, क्योंकि अभी कुछ महीनों से काफ़ी ज़्यादा खचपच चल रहा है यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा खचपच चल रहा है, और जो बेचारे अपना शांत काम रह के अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना एफर्ट डाल रहे हैं अपने काम में,
तो उनको कुछ नहीं, जीरो। हमें भी सपोर्ट किया करो यार, हम जैसे, मेरे जैसे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मतलब ये सब कंट्रोवर्सी से दूर हैं और अपना सिंपल लाइफ, अपनी जो रूटीन है वो दिखाते हैं, वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आप सपोर्ट किया करो। माना कि हमारे ब्लॉग में आपको मिर्च मसाला नहीं मिलता, आप बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं होते हो, हमें पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ तो आपको अच्छा लगता ही होगा। आप लोगों को कोई ना कोई क्लिप, कोई ना कोई चीज़ तो आपको अच्छी लगती होगी, तो उसी बेस पे आप लोग हमारा ब्लॉग देख लिया करो और सपोर्ट भी कर दिया करो। देखो कोई भी घर ऐसा नहीं है, कोई भी रिश्ते ऐसे नहीं हैं कि जहाँ पे इतना या इतना, मतलब कहने का मतलब थोड़ा या ज़्यादा चीज़ें खराब ना हों या झगड़ा लड़ाई ना हो। सिर्फ प्यार मोहब्बत तो हर किसी के लाइफ में, पति पत्नी के ही लाइफ में ले लो, सिर्फ प्यार मोहब्बत किसी के लाइफ में नहीं है। थोड़ा बहुत ऊँच नीच, थोड़ा बहुत झगड़े सबके ही घर में हैं, सबके ही घर में, हर रिश्ते में, इनफैक्ट हर रिश्ते में है। लेकिन इसका मतलब वो ये नहीं है कि हम उसे कंटेंट बना लें और ये धड़ाधड़ वीडियो बनाते जाएं, 1 2 3 4 5 6 जब तक आपको लगे कि उस पर व्यूज़ कमाया जा सकता है, उसको तोड़ मड़ोड़ के वीडियो लाते रहें। कई बार तो ऐसा होता है ना कि हालांकि जो करते हैं, और देखो मैं अभी कल ही मैंने किसी का ब्लॉग देखा, तो उन्होंने सामने से बोला कि मैं अभी बता सकती हूँ मुझे क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा सस्पेंस रखना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बोल के सस्पेंस रखा कि मैं रखना चाहती हूँ ऐसा। और कई लोग हैं कि थंबनेल और डालेंगे, टाइटल और डालेंगे, और वो चीज़ वीडियो में होगी नहीं, बोलेंगे फिर लास्ट में पता लगेगा, आने वाले वीडियो में वो चीज़ पता लगेगी, जो थंबनेल पे दिख रहा है, जो टाइटल में दिख रहा है, वो आने वाले वीडियो में हमको पता लगेगा, तो लास्ट में पता लगता है। इस चक्कर में हम सारा ही ब्लॉग देख लेते हैं, तो ये मतलब वो मैंने किसी और का ब्लॉग देखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि थोड़ा बहुत आपको सस्पेंस क्रिएट करना होता है अपने ब्लॉगिंग स्टाइल में, थोड़ा सा आपको अपने वीडियो में इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ती हैं ताकि व्यूज़ आएँ, यानी लोग क्लिकबेट टाइटल ऐसा कुछ था। तो मैं मानती हूँ कि चलो आप उस तरीके का टाइटल डाल दोगे, उस तरह का थंबनेल डाल दोगे एक या दो वीडियो में, फिर आपका छवि उसी तरीके से बन जाता है, आपकी इमेज उसी तरीके से बन जाती है, लोग फिर ये सोचने लगते हैं कि कहीं ना कहीं आप जो बोल रहे हो आपकी वीडियो में नहीं है, तो फिर वो देखना भी शायद बंद कर दे। मेरे जैसे लोग तो बंद कर दे कि जब जो टाइटल में दिख रहा है, जो थंबनेल में दिख रहा है, वो वीडियो में है ही नहीं, तो फिर मैं तो ना देखूं, अगला वीडियो में नहीं देखती फिर, क्योंकि हम जो बताते हो वो आपकी वीडियो में होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। फिर अगले वीडियो के लिए हमें वेट करना होता है, और अगले वीडियो में वो चीज़ें दिखा के फिर किसी और वीडियो के लिए हमें बताया जाएगा कि हाँ भी इस तरीके, तो मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद है, मेरे जैसे काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है। वो बोलते भी हैं कि भाई हमें ये चीज़ करने नहीं आता, हमें पता है कि इससे व्यूज़ आएंगे, पर हम नहीं कर सकते, हम बिल्कुल इससे दूर हैं, मतलब कोसों दूर हैं इस चीज़ से, हमसे ये ना होगा, ये चीज़ है, ये हमसे ना होगा। उनमें से मैं भी हूँ कि मैं नहीं कर सकती, मैं झूठ चीज़ें नहीं बता सकती, और मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मेरा साथ देने के लिए बहुत लोग हैं। मतलब मैं अगर बोलूँ ना कि हाँ भाई इस तरीके का वीडियो मुझे बनाना है, ये करना है, वो करना है, मेरे साथ देने के लिए बहुत लोग हैं, पर मुझे करना नहीं है, मुझे स्क्रिप्टेड चीज़ें दिखानी नहीं है, जो हमारे लाइफ में हो रही हैं मैं वही दिखाती हूँ, बाकी मुझे इन सब चीज़ों से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब ये अलग बात है कि व्यूज़ आए ना आए, डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप लोग क्या देखना चाहते हो, सच्चाई देखना चाहते हो या स्क्रिप्टेड चीज़ें देखना चाहते हो, डिपेंड आप पे करता है। और जाहिर सी बात है कि लोग अपना नॉर्मल लाइफ दिखाएंगे, तो जो डेली रूटीन होता है वो आप लोगों के लाइफ में भी होता है, सुबह उठना, सारा दिन का काम करना, ये वो फलाना टाइम का जो भी है, लेकिन आप एंटरटेन होते हो उन सब चीज़ों से, जैसा कि मैंने बताया मिर्च मसाले वाले वीडियो से, तो वो तो नहीं हो पाएगा, मेरे ब्लॉग में नहीं मिल पाएगा, आप सबको सॉरी इस चीज़ के लिए, और ना मैं कभी दिखा पाऊँगी वो सारी चीज़ें, मैं कभी नहीं दिखा पाऊँगी। जैसे मैंने बताया ना कि हर किसी के लाइफ में थोड़ा या ज़्यादा चीज़ें खराब हैं, पर मैं वो सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाऊँगी कभी भी, ना किया है और ना करूँगी, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। चाहे मैं आगे तक जाऊँ ना जाऊँ, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मैं वो सारी चीज़ें सॉरी नहीं दिखा पाऊँगी,
और ना कभी बता पाऊंगी। तो ये चीज़ें हैं, और मुझे क्योंकि मुझे पता है कि जो भी जिसके लाइफ में प्रॉब्लम है वो ही सॉल्व कर सकता है, उसके लिए उसको ही जो करना है करना है। सोशल मीडिया पे लाके ऑडियंस के सामने बातें रख के कुछ भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है वो आपको पता है, तो उसका सोल्यूशन आपके पास ही है, उसको उससे निपट आप ही सकते हो। तो सोशल मीडिया पर लाने का कोई मतलब नहीं है। पता नहीं मुझे ऐसा आजकल लगा ना, आपने खचर पचर मतलब यूट्यूब पे खचर पचर हो रखा है, मतलब समझ में नहीं आता। इनका ब्लॉग देखो वही दिखता है, उनका ब्लॉग देखो वही दिखता है, ऐसा लगता है कि अब देखना ही बंद कर दे। हालांकि मैं देखती बहुत कम हूँ, जैसा मैंने बताया कि मैं काम करते करते ही देखती हूँ, इतना टाइम किसी के पास आजकल है नहीं कि कोई आराम से बैठ के और किसी का ब्लॉग देखे। हाँ, जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी थी तब मैं देखती थी, जैसा मैंने बताया कि वहीं लोगों को देख के ही मैं इंस्पायर हुई और तब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी। लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इतने शांति से बैठ के और किसी का ब्लॉग देखूं, क्योंकि देखो दो चैनल है मेरे पास में, एक कुकिंग का है और एक ये है ब्लॉगिंग वाला। तो इस पे भी मुझे काम करना होता है, वीडियो शूट करना होता है, एडिटिंग करनी होती है। हाँ, कौन सी डिलीट? मेरे में आ नहीं रहा इसलिए। ना ना, मैंने डिलीट ही नहीं करी कोई वीडियो, ना ना डिलीट नहीं हो गई, अभी देखती हूँ क्यों ऐसा। मैंने हटा के वापस भी किया, सब्सक्राइब किया है। हाँ हाँ, शायद से किया होगा, करा है। शॉर्ट पे जाकर देखो, शॉर्ट के तो आ रही है, फुल वीडियो ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों ये आए ना। हाँ, युवराज को उसकी स्पिनर वाली वीडियो बता रही थी तब मैंने देखा। नहीं नहीं, वो कभी कभी ऐसा हो जाता है। आ गई रे, बारिश आई क्या? ओह माय गॉड, कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, अभी तो सुखाए नहीं है, मेरे पैर वैसे हो गए हैं, लेकिन जो सूख गए हैं उसे ले लो। उमस बहुत थी, बारिश आना ही था, बहुत ज़्यादा उमस था बाबा, बहुत ज़्यादा। तभी रखूँगी तो ऐसे ही रख देते हैं ना, तो फिर देखो यहाँ रख दिया, तो तय करने का फिर वो हो जाता है, डिले हो जाता है, फिर वो रखा रहता है। तो जब टाइम मिलता है जब तय कर लेती हूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, उम्मीद करूँगी कि वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। हालांकि जैसा कि मैंने बोला कि मेरे ब्लॉग में आपको मिर्च मसाला तो नहीं मिलेगा, फिर भी उम्मीद तो कर ही सकती हूँ कि वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पहली बार मेरे चैनल पे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।